ग्वालियर सीमा चेक पोस्ट पर शिवपुरी के पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा ने लंबी दूरी से आ रहे राहगीरों के बीच में पहुंचकर उनकी सेवा करने वाले डॉक्टरों को माला पहनाकर सम्मान किया। इसके पहले मोहना की खाटू श्याम समिति द्वारा बनाए जा रहे भोजन को भी मजदूरों के बीच में वितरित किया गया। पूर्व विधायक ने गुजरात, राजस्थान, कोटा और इंदौर से आ रहे मजदूरों का हाल जानने के बाद उनसे अपील की है कि लोग 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और अपने आप को स्वयं सुरक्षित रखें। शिवपुरी के पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा जी यहाँ पे जो पोहरी के विधायक हैं उनसे बात करेंगे, जो खाना वितरण करते हुए यहाँ पे जो लंबी दूरी के जो दर्शक आ रहे हैं उनसे जो खाना दे रहे हैं उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे आप जो गरीबों के लिए खाना दे रहे हैं जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे डॉक्टर? सबसे पहले तो ये मैं इन समिति वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का निर्णय लिया। इस समय देश पर इतना बड़ा संकट है और वाकई ये माटी के लाल हैं जो इस देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है और इस प्रदेश के मुखिया को बार बार धन्यवाद है। जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर संवारी है उस दिन से हमारे किसी भी रास्ते से हमारे राहगीर गुजर रहे हैं वो कोई भूखा नहीं जा रहा, चाहे वो शिवपुरी की बात हो, चाहे ग्वालियर की हो, चाहे गुना की हो, जिस प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं हमारा प्रदेश बढ़ चढ़ के उसमें हाथ ले रहा बटा रहा। और हमारे युवा साथी कई तरह की टीमें हैं, युवा टीम है, पूजा टीम है, बजरंग दल है, RSS है, सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सबको ये आदेश है और निर्देश भी दिए हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और मैं और आग्रह लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक महामारी को साथ बढ़ चढ़ के और दें और ज़्यादा ना करें, 100, 200, 500, 1000 रुपये और प्रधानमंत्री कोष में ये सब लोग दें जिससे हमारे देश के गरीब पिछड़ा मजदूर लोगों का भला हो सकेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हिंदुस्तान है, जो दयालु देश है, यहाँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। सारे लोगों की व्यवस्था हम सरकार और केंद्र सरकार बहुत मदद कर रही है। काफी दूर से अन्य प्रांतों से यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे है, महाराष्ट्र, गुजरात से, जैसे यहाँ पर जो आ रहे हैं महिला भी है, कई हमने देखा है यहाँ पर जो बड़ी जो यहाँ पे जो सहायता कर रहा है, लेकिन जो और भी शासन है यहाँ पर जो कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है कभी कभार जानता है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व कर्मचारियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। उन्होंने इस प्रदेश की जनता को बचाने में जो योगदान दिया, और दूसरे नंबर पर हमारे पुलिस विभाग जो 20 घंटे 22 घंटे सेवा कर रहे हैं, जो भी राहगीर जाता है उसकी बाकायदा जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ तक वो छोड़ने जाते हैं, जिस तरह की मदद होती है वो करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस विभाग को और हमारे सफाई कर्मियों को और ये बात टीम को जो इस देश की चिंता है, हमारे प्रदेश की चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री को इस देश की चिंता है, हमारे मुख्यमंत्री को हमारे प्रदेश की चिंता है, हम सबको हमारे जिले की चिंता, इसमें सारे लोग बढ़ चढ़ के हाथ बटा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 साल नहीं 2 साल तक भी कोरोना चलेगा तो उससे संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम इस कोरोना को हराएंगे। पूरा विश्वास है हमारे प्रदेश में कोरोना नहीं आएगा, जो भी बाहर से आया तत्काल उस पर कंट्रोल किया जाएगा और बहुत जल्दी हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त होगा।